विकासनगर की तिमली रेंज में जंगली जानवर के शिकार की घटना से पूरे वन परिक्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल यह घटना टिमली गांव से सटे आरक्षित वन क्षेत्र की है, जहां पर जंगल में गए गांव के एक व्यक्ति को जंगली जानवर का मृत शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना पर तत्काल वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान टिमली रेंजर मुकेश कुमार ने कहा कि वन विभाग की टीम ने मौके से एक जंगली सुअर का शव बरामद किया है, जो देखने में बहुत ही पुराना लग रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा कि इसकी मौत जानवरों के आपसी संघर्ष की वजह से हुई है या फिर किसी शिकारी ने शिकार की घटना को अंजाम दिया है। रेंजर मुकेश कुमार ने कहा कि अगर घटना शिकार की पाई जाती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विकासनगर से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। प्राप्त हुई थी कि तिमली गांव के निकट एक वन क्षेत्र में एक सुअर का शव पड़ा हुआ है, तो सूचना पे हमारे द्वारा एक टीम भेजी गई वहां पर और उस शव को कब्जे में लिया गया सुअर की, जो कि प्रथम दृष्टया कुछ दिन पुराना प्रतीत होता है और उसका पोस्टमार्टम के उपरांत ही ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये जो इस सुअर की जो मृत्यु हुई है वो आपसी संघर्ष के कारण हुई है या उसमें कोई और शिकार या कुछ अन्य प्रकार की कोई बात है, और इसके जो भी जांच होगी, जांच के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की